हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू अवर चैनल इफेक्टिव स्टडी। मेरा नाम है धर्मेंद्र गौड़ और आज हम 23 अगस्त 2018 के डेली करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम बता दें कि करंट अफेयर्स के साथ साथ हम महत्वपूर्ण तथ्य भी डिस्कस करते हैं, तो आपके एग्जाम ओरिएंटेड जीके और साथ ही साथ जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर है वो सब कुछ यहाँ एक वीडियो में कवर होगा। तो ये वीडियो आप जो है आगे बिल्कुल अंत तक देखते रहिए। चलिए, शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप इस वीडियो की जो पीडीएफ है वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में, यूट्यूब चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर लिंक दी है इसकी वीडियो के नीचे, तो वहाँ से आप पीडीएफ डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं या टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, उसकी भी लिंक दी है। तो वहाँ टेलीग्राम चैनल पर आपको पिछले सभी वीडियोज का पीडीएफ जो है वो एक साथ मिल जाएगा। तो शुरू करने से पहले पिछली वीडियो से मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा 22 अगस्त से कि एक बुक है व्हाई आई एम अ हिंदू, ठीक है ना। ये 2018 की एक लेटेस्ट बुक है, चूंकि कल मैंने डिस्कस की थी इसीलिए क्वेश्चन पूछ रहा हूं। तो ये बुक किसने लिखी है, व्हाई आई एम अ हिंदू बुक किसने लिखी है, कमेंट बॉक्स में नीचे मुझे लिखकर बताएं आप, ठीक है ना। चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। तो आज का पहला करंट अफेयर है, छत्तीसगढ़ की राजधानी का नया नाम क्या है। छत्तीसगढ़ की राजधानी हम जानते हैं रायपुर है, तो उसका नाम बदल दिया है छत्तीसगढ़ सरकार ने और नाम कर दिया है उसका अटल नगर। ये किया है अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्मृति में। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर का नया नाम क्या हो गया, अटल नगर। सीएम कौन है छत्तीसगढ़ के, रमन सिंह। राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल पर अतिरिक्त प्रभार है, चूंकि आनंदीबेन पटेल मध्य प्रदेश की सीएम है। छत्तीसगढ़ के जो सीएम थे बलराम दास जी टंडन, उनका निधन हो गया कुछ समय पहले, तो आनंदीबेन पटेल पर अतिरिक्त प्रभार है, ठीक है ना, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। चलिए बात करते हैं अटल, अगली न्यूज की। अटल राष्ट्रीय पुरस्कार है, ये कविता के क्षेत्र में दिया जाएगा, किस सरकार द्वारा, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा, ठीक है ना। और तीसरा है अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन पुरस्कार, ये भी छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा दिया जाएगा। तो यहाँ पर तीन इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट किए हैं छत्तीसगढ़ कैबिनेट ने। पहला तो राजधानी रायपुर का नाम बदलकर अटल नगर कर दिया। दूसरा, अटल राष्ट्रीय पुरस्कार देंगे, चूंकि अटल कवि थे तो उन कविता के क्षेत्र में दिया जाएगा और छत्तीसगढ़ सरकार देगी। और तीसरा, अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन पुरस्कार, ये 25 दिसंबर के दिन दिया जाएगा, चूंकि 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म दिवस होता है, तो और 25 दिसंबर को राष्ट्रीय सुशासन दिवस भी मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी घोषणा पहले ही कर चुके हैं वो, तो 25 दिसंबर को राष्ट्रीय सुशासन दिवस मनाया जाएगा, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है, ये दिवस आप जरूर ध्यान रखिएगा, मनाया जाता है ऑलरेडी, है ना, कुछ सालों से मनाया जा रहा है। अब बात करते हैं भारतीय मौसम विभाग का नया चक्रवात चेतावनी केंद्र स्थापित हुआ है, ठीक है ना। चूंकि ये क्यों किया गया है कि अभी अभी केरल और कर्नाटक में जो है काफी मौसम को लेकर तटीय क्षेत्रों में काफी चक्रवात हुए हैं, तो चक्रवात चेतावनी केंद्र स्थापित किया गया नया तिरुवनंतपुरम केरल में, ठीक है ना, तिरुवनंतपुरम में किया गया। तिरुवनंतपुरम केरल की कैपिटल है, केरल के सीएम है पिनाराई विजयन और राज्यपाल है पी सदाशिवम। चूंकि केरल अभी काफी चर्चा में है, बाढ़ आई हुई है, तो डैम से रिलेटेड क्वेश्चन सीएम, राज्यपाल या चक्रवात चेतावनी केंद्र से रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चन एग्जाम में 100% बनेगा, तो आप याद रखिएगा केरल के बारे में, जितने स्टैटिक फैक्ट्स याद रख सके उतने। भारतीय मौसम विभाग की बात करें तो भारतीय मौसम विभाग के बारे में देख लेते हैं कुछ स्टैटिक फैक्ट्स। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट भी कहते हैं इसको, इसलिए इसका शॉर्ट फॉर्म बनता है आईएमडी। तो एग्जाम में आपसे आईएमडी का भी जो है वो फुल फॉर्म पूछ सकते हैं। भारतीय मौसम विभाग की स्थापना 1875 में हुई थी, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। महत्वपूर्ण बनता है कि भारतीय मौसम विभाग किस मंत्रालय के अधीन आता है, तो ये आता है अर्थ साइंस मिनिस्ट्री के अंदर, मौसम विभाग एंड अर्थ साइंस पृथ्वी विज्ञान। तो इसका मंत्री कौन है, इसके मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। डॉक्टर हर्षवर्धन की कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है, ये लोकसभा मेंबर हैं चांदनी चौक दिल्ली से, चांदनी चौक दिल्ली से ये जीतकर लोकसभा सांसद बने हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, मौसम विभाग के, या हम कहें कि मौसम पर्यावरण और अर्थ साइंस के मिनिस्टर हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। ऑलरेडी 6 चक्रवात चेतावनी केंद्र इंडिया में पहले से अवेलेबल हैं, वहाँ वो हैं चेन्नई, विशाखापट्टनम, भुवनेश्वर, कोलकाता, अहमदाबाद, मुंबई में। अब 7वां ओपन हो रहा है तिरुवनंतपुरम में, तो आपको ये सबके सब याद रखनी है, चेन्नई, विशाखापट्टनम, भुवनेश्वर, कोलकाता, अहमदाबाद, मुंबई। देखिए सभी ये सभी तटीय शहरों में हैं, क्योंकि चक्रवात वहीं आते हैं समुद्री तटों के किनारे, इसलिए चक्रवात चेतावनी केंद्र भी वहीं ओपन होते हैं तटीय नगरों में। तो चेन्नई, विशाखापट्टनम, भुवनेश्वर, कोलकाता, अहमदाबाद, मुंबई में पहले से हैं, नया बनना है तिरुवनंतपुरम में। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की। केंद्र की अंतर्राष्ट्रीय मार्गों पर सस्ती हवाई योजना, सस्ती हवाई यात्रा योजना शुरू की है केंद्र ने अंतर्राष्ट्रीय मार्गों पर, ठीक है ना। और चूंकि इसके जो मार्ग हैं उनके बारे में जो डिसीजन लेंगे वो राज्य सरकारें लेंगी, लेकिन ये योजना किसने शुरू की है, केंद्र सरकार ने शुरू की है।
और इस योजना का नाम क्या है? द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि इस योजना का नाम है उड़ान योजना, क्योंकि हवाई यात्रा से या सिविल एविएशन से संबंधित है, इसलिए इसका नाम भी आसानी से याद रख सकते हैं, उड़ान योजना। सिविल एविएशन मिनिस्टर की बात करें, यानी कि हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री की बात करें, तो वो है सुरेश प्रभु, ठीक है ना। कौन है? सुरेश प्रभु हैं, और ये सुरेश प्रभु जो है वो राज्यसभा सांसद हैं। कहाँ से? राज्यसभा मेंबर हैं ये आंध्र प्रदेश से, ठीक है ना। तो आंध्र प्रदेश को रिप्रेजेंट करते हैं ये राज्यसभा में। कौन? सुरेश प्रभु, सिविल एविएशन मिनिस्टर। ओके, नेक्स्ट है, किन चुनावों में नोटा बटन प्रयोग नहीं होगा, ये आपको बताना है। किन चुनावों में नोटा बटन का प्रयोग नहीं होगा? अभी सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं दीपक मिश्रा, उन्होंने ये आदेश दिया है, तो ये नहीं होगा राज्यसभा में, ठीक है ना। राज्यसभा के जो जितने भी इलेक्शन होते हैं, तो उनमें जो है वो नोटा बटन का इस्तेमाल नहीं होगा। तो ये था आज का टॉप 6 करंट अफेयर, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। आज के करंट अफेयर से मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, आपको बताना है कि केरल के मुख्यमंत्री जो हैं उनका नाम क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। अगर आपने वीडियो अच्छे से देखा है या आपको पहले से मालूम है तो आप जरूर बता सकते हैं, ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आप हमसे फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं, हमारी आईडी है, आप लिख सकते हैं facebook.com/effectivestudy, ठीक है ना। इफेक्टिव स्टडी का जो स्टडी का वाई है लास्ट में, वो दो लगा देना, डबल वाई कर देना, तो आप फेसबुक पर हमारे पेज पर पहुंच जाएंगे। वहां भी आप हमारे सारे वीडियो जो है वो देख सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है ना। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इसी प्रकार कल मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।